पहली वाली स्पीड जो है 90 तक पहुंच गई थी और 80 की तो कोई तैयारी करना ही मत, हमेशा 84, 88, 90 ये तब जाके आप लिख पाओगे, सही है? तो लिखें रेडी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि हिरासत में मौत या पुलिस की बर्बरता कानून शासित राज्यों में सबसे बड़ा अपराध है। कानपुर में पुलिस हिरासत में पिटाई से व्यापारी बलवंत सिंह की मौत ने भी पुलिस के बर्बर चेहरे को उजागर किया है। सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को थाने लाकर रखना और पूछताछ के दौरान इतनी प्रताड़ना देना कि मौत हो जाए, पुलिस की निरंकुशता का परिचायक है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने इसके बाद मामले को दबाने की कोशिश की और मौत का कारण हृदयाघात साबित करने का कुचक्र रचा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 22 चोटों से सच सामने आ ही गया। बाद में इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर मुकदमा जरूर दर्ज किया गया, लेकिन यह घटना बताती है कि कुछ स्थानों की कार्यशैली में जरा भी बदलाव नहीं आया है। पुलिस को मानवाधिकारों की कोई चिंता नहीं है और वह अपनी मनमानी करने में तनिक भी नहीं हिचकती। आम तौर पर इस तरह के मामलों को पुलिस अपने ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सफल भी हो जाती है, क्योंकि घटना का स्थल थाने के भीतर होता है और दूसरे पुलिसकर्मी भी आरोपितों को सहयोग करते हैं। पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकारों का उल्लंघन गंभीर बात है और इस पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक बड़ा कलंक यह भी है कि हिरासत में मौत की सबसे अधिक घटनाएं यहां होती हैं। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2021-22 में हिरासत में कुल 501 मौतों के मामले दर्ज हुए थे। कानपुर से सटे फतेहपुर में ही 2 माह पहले पुलिस हिरासत में सत्येंद्र नामक युवक की मौत हो चुकी है। लोगों को संविधान का रक्षा कवच मिलने के बाद भी थानों में शोषण, उत्पीड़न और मौत की घटनाएं चिंताजनक हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन शायद ही किसी थाने में उनका पालन होता हो। यहां तक कि परिवार को जानकारी देना तक उचित नहीं समझते। पुलिस को समझना होगा कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए है, ना कि उल्लंघन के लिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिहार राजनीति में भी उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई देने लगे। लंबे समय तक यहां लालू यादव का राज रहा, उनके बाद नीतीश यादव लगातार यहां का शासन करते आ रहे हैं। पहले नीतीश यादव और लालू यादव में प्रतिद्वंद्विता रहती थी, लेकिन बाद में दोनों लोग एकजुट हो गए। नीतीश यादव अब नई पीढ़ी को बिहार की कमान सौंपने के संकेत दे दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब बिहार की कमान संभाल सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इसकी घोषणा भी
कर दी है। निश्चित रूप से यहां आगामी चुनावों में राजनीतिक बदलाव दिखाई देगा। युवाओं की नई सोच के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव दिखाई देंगे। प्रदेश में गन्ने का पेराई सत्र चल रहा है। स्टॉप। अखबार में यादव दिया, इसमें यादव दिया है, यादव ही हो सकता है, कुर्मी है, कुर्मी अखबार दे रहा है, पढ़ लिख समझ कौन पड़ेगा इधर से, उधर पढ़ोगे हसन पास पढ़ लीजिए, तू पुराना ग्राहक बन, अभी तूने पढ़ी थी, चल पढ़, एक सेकंड, वो पढ़ा मोहित पढ़ा, चल पढ़ो, पढ़ो तेज आवाज से पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि हिरासत में मौत या पुलिस की बर्बरता कानून शासित राज्यों में सबसे बड़ा अपराध है। कानपुर में पुलिस हिरासत में पिटाई से व्यापारी बलवंत सिंह की मौत ने भी पुलिस की बर्बर चेहरे को उजागर किया है। सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को थाने लाकर मारना और पूछताछ के दौरान भी पिटाई देना की